हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पर बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही तेजी से आज के टाइम में वायरल हो रहा है और शायद आप सभी को पता होगा SDM ज्योति मौर्य के बारे में। तो गाइस आज इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं और बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्या मैटर है, क्या रीजन, क्या वजह है कि ये न्यूज, ये खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ज्योति मौर्य जो कि अभी फिलहाल SDM है, बरेली में है और ये वाराणसी की रहने वाली हैं और इनकी शादी हुई थी 2010 में आलोक मौर्य जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो आजमगढ़ के रहने वाले आलोक मौर्य से शादी हुई थी, तब वो सफाई कर्मी में थे, आज भी सफाई कर्मी में है और ज्योति मौर्य पढ़ना चाहती थी, तो मीन्स उनकी वाइफ आलोक की वाइफ ज्योति जो कि अभी फिलहाल में SDM है तो वो पढ़ना चाहती थी। तो अपना आलोक जी ने जैसे तैसे अपना बजट बनाया और इनको अलाहाबाद जैसे शहर में भेजा, मीन्स प्रयागराज में भेजा पढ़ाई के लिए, कोचिंग ज्वाइन करवाया, अपना कोचिंग कर रही थी और 2015 में इनका सिलेक्शन हो गया। तो 2015 में सिलेक्शन हो गया और प्रेजेंट टाइम में इनकी दो बेटियां जो कि शायद जुड़वा हैं, तो दो बेटियां हैं और अभी शादी को मतलब कि शादी तो फिलहाल 2010 में ही हुआ था और अभी प्रेजेंट टाइम में जो मैटर अभी उठा है कि इनका कोई मनीष दुबे नाम का कोई व्यक्ति है जो कि पुलिस में है, तो उनसे इनका कोई अफेयर चल रहा है, ऐसा आलोक जी ने खुद बताया है, इंटरव्यू में बताया है और बहुत ही तेजी से न्यूज वायरल भी हो रहा है। तो जो बातें हैं हम आपको वही बता रहे हैं। तो आलोक जी बता रहे हैं, आलोक मौर्य जो कि उनके हस्बैंड हैं वो बता रहे हैं कि इनका अफेयर है और हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा भी है, ये लोग हमको जान से मारने के लिए दौड़ाए भी। और अभी क्या है, जो मनीष दुबे हैं ये भी शादीशुदा हैं और अपनी वाइफ से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दे रखे हैं और अभी जो इनकी वाइफ है SDM ज्योति मौर्य ये भी अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती हैं। फिलहाल अभी शायद तलाक की कोई बात नहीं हुई है लेकिन इन्होंने केस दर्ज करवा दिया है, केस दर्ज करवाया अपने हस्बैंड के पे और अपने जो इनके ससुर जी हैं उन पर केस दर्ज करवाया है और ये केस है मतलब मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं और दहेज को लेकर के, दहेज की वजह से परेशान करते हैं, ये सब केस दर्ज करवाया है। तो लेकिन आलोक जी का कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग पूरा घर परिवार मिलकर इनका सपोर्ट किया और जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँची हैं। और एक इंटरव्यू में पहले खुलासा भी हुआ है कि एक इंटरव्यू में इन्होंने मतलब ज्योति मौर्य जी ने बताया भी कि आज हम जो SDM का जो हमें पोस्ट मिला, जो आज हमें ये सक्सेस मिली है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है हमारे हस्बैंड मीन्स आलोक मौर्य का और इनके ससुर जी का बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। तो फिलहाल ये पहले की बातें हैं लेकिन अभी में क्या चल रहा है, ये न्यूज गाइस बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और ये बहुत ही बड़ी लेवल की घटना है। और अभी हाल ही में अभी एक दो दिन के अंदर की बात है, पहले की बात है और ये खान सर ने भी मतलब कहा है कि भाई ये जो है गलत है और इसके बाद बहुत से लोग मतलब इसका जो असर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसके बाद बहुत से लोग अपने मतलब कि पत्नी को, अपने बहू को नहीं पढ़ाना चाहेंगे। और अभी एक खबर भी मिली है, अब सही है कि गलत है लेकिन ये खबर है और हमें लगता है कि ये 100% सही खबर है। बहुत से लोग जिनकी बहू बाहर में पढ़ाई कर रही थी, जो पढ़ाई करने के लिए भेजे थे बाहर में, जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया, किसी और डिस्ट्रिक्ट में कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया और बहुत जगह लोग अपना तैयारी करने के लिए भेजते हैं, तो लोगों ने घर वापस बुला लिया, किसी ने अपनी बहू को बुला लिया, किसी ने अपनी पत्नी को जो भेजे थे पढ़ाई करने के लिए वो लोग अपना वापस बुला लिए। तो इससे क्या हुआ कि इसका अब देखिए प्रेजेंट टाइम तुरंत इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा, आगे चल के क्या कुछ होने वाला है ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जा रहा है, लोग अपने घर की बहुओं को, अपनी पत्नी को पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजेंगे। और खान सर ने भी एक बात कही कि भाई आप मींस जो आदमी लोग हैं, जो जेंट्स हैं, वो ट्रेन का ट्रेन है, वो मींस इंजन है, तो इंजन का मजबूत रहना जरूरी है, जो डिब्बे हैं वो ठीक है, अगर डिब्बा अगर इंजन मजबूत है तो डिब्बे को खींच के अपना लेके चला जाएगा और अगर नहीं है तो फिर बड़ी सारी समस्या यही जैसे भी हो गई। और खान सर ने एक चीज ये भी बताया कि मतलब कि उनके किसी फ्रेंड के साथ भी सेम घटना घटी थी, उनका अपना लपका कुछ चक्कर था, दो लोगों का अपना उनके फ्रेंड थे, तो अपना वो पढ़ा रहा था जैसे तैसे अपना खर्चा देके, कैसे अपना उल्टा सीधा करके वो अपने गर्लफ्रेंड को पढ़ा रहा था कि वो अपना हो जाएगी सक्सेस तो शादी विवाह अपने मतलब कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ वो अपना सक्सेस हो गई और वो शादी के लिए फिर अपना मना कर दिया, अपना किसी उसी फील्ड में अपना किसी और से वो
उसका अपना जम गया तो अपना उधर शादी कर ली, तो वो बेचारा बहुत टेंशन में था। तो ऐसी घटनाएं आगे भी घट चुकी है, लेकिन ये बहुत ही बड़े लेवल की घटना है और बहुत ही शर्म की बात है। बाकी क्या है पूरी सही जानकारी अभी इसका पूरा सही से पता नहीं चला है, लेकिन जैसे कि इंटरव्यू में जो भी चीजें पता चल रहा, खुलासा हो पा रहा है न्यूज के माध्यम से, कुछ गूगल पोस्ट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से और कुछ इंटरव्यू के माध्यम से जो जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल ज्योति मौर्या को लेकर मतलब बहुत सारी बातें की जा रही, बहुत से लोग इनके विरोध में हैं और बहुत से लोग सपोर्ट में हैं कि सही है भाई, सही कैसे है, और हमें भी लगता है भाई बहुत ही गलत है। दो उनकी जो है बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और आगे क्या कुछ मतलब गलत तो है फिलहाल, लेकिन बहुत लोग बहुत कुछ में बातें जोड़ के बता रहे हैं कि भाई बहुत से लोग अपनी वाइफ को छोड़ के देश चला रहे हैं, मतलब किसी और से अब कनेक्ट कर रहे हैं उस मैटर को। खैर वो मैटर, इस मैटर में बहुत ही ज्यादा अंतर है। इधर इस व्यक्ति ने मीन्स अपनी कैसे मतलब कि कैसे अपने खर्चे को मेंटेन किया, कैसे कैसे क्या करके और पढ़ाई लिखाई आज यहाँ तक पहुँचाया, तो आज दो बच्चे भी, जुड़वा बच्चे भी हैं, दो हैं। इसके बाद शादी को करीबन जो है यही 15 साल लगभग हो चुके हैं, 2010 में शादी हुई थी और अभी जो है ये भी तकरीबन 13-14 साल शादी को हो चुका है। तो 13-14 साल शादी को हो चुका है, प्लस उसने काफ़ी कुछ संघर्ष किया उनके लिए, लेकिन तो ये तो गलत है ही। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि कोई और ऐसा बात है कि वो बस तलाक लेना चाहती हैं, फिर दूर रहना चाहती हैं, उनका किसी और से अफेयर है, ये कहना है आलोक जी का। बाकी सही क्या है आगे तो खुलासा हो ही जाएगा। फिलहाल जो भी है गाइज, आपका इसके प्रति क्या विचार है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, और हाँ आप किसके सपोर्ट में कौन सही है, आपका क्या विचार है कमेंट जरूर करिए। बाकी आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।